एक समय की बात, रामगढ़ के जंगल में टुटुल नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। एक दिन वह अपने घोंसले के बाहर बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। तभी वहां अचानक एक मॉडल सी चिड़िया आती है और उसके साथ उसकी दो सहेलियां भी आई थी। वे तीनों एक सुंदर सी गाड़ी में से आई थी, मानो कि कोई शहर से आई हो। तभी वह मॉडल चिड़िया बोलती है, अरे ओ चिड़िया, यहाँ ठंडा पानी मिलेगा? मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, मेरा गला सूखा जा रहा है प्यास के मारे। रुको, मैं तुम्हें ठंडा पानी पिलाती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी घर के अंदर पानी लेने चली जाती है। ओहो, यह कितनी गर्मी है। यदि कोई होटल मिल जाता तो कितना अच्छा होता। अरे कितनी गर्मी लग रही है। जब ये टुनटुनी चिड़िया पानी लेकर आ जाती है, ये लो मिंसा, ठंडा ठंडा पानी। पिंकी चिड़िया जैसे ही पानी पीती है, अरे ये पानी तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। क्या तुम्हारे यहाँ फ्रिज नहीं है क्या, जो ऐसा पानी ले आई मेरे लिए? फ्रिज? ये क्या होता है, मेरे यहाँ कोई फ्रिज नहीं है। हमारे यहाँ तो बस लोग घड़े का पानी पीते हैं। हमें तो घड़े का पानी बहुत अच्छा लगता है। अब पीना हो तो पी लो, वरना जाओ यहाँ से। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारे साथ बात कर सकूं। अरे अरे, नाराज क्यों होती हो टुनटुनी चिड़िया? मैं ये पानी पी लेती हूँ, और ले आओ। मेरी सहेलियों के लिए, ये भी प्यासी है, इन्हें भी प्यास लगी है। टुनटुनी चिड़िया सभी को पानी पिला देती है। अच्छा टुनटुनी, ये बताओ यहाँ कोई आसपास होटल मिलेगा हमें? हम लोग शहर से आए हैं रुकना पड़ेगा, हमें होटल चाहिए। होटल? नहीं नहीं मेन साहब, यहाँ कोई होटल नहीं मिलने वाला। यहाँ ये गांव है, गांव मेन साहब, यहाँ बस आपको मेरे जैसे घर ही मिलेंगे। यहाँ कोई होटल नहीं मिलने वाला आप लोगों को। टुनटुनी, मेरा नाम पिंकी है, तुम मेरा नाम लेकर बुला सकती हो, मेन साहब मत बुलाओ। अच्छा टुनटुनी, तुम मुझे अपना जैसा ही घर दिला दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी, हम इसमें ही गुजारा कर ले दो तीन दिन। लेकिन मेन साहब, इन जंगल में कोई भी पक्षी अपना घर किसी को नहीं देता, शहरी पक्षियों को तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तो मैं साहब, आप सभी ऐसा करिए कि आप मेरे घोंसले में रुक जाइए, दो तीन दिन की तो बात ही है बस। हाँ हाँ, सही कहा तुमने, हम सभी तुम्हारे घोंसले में रुक जाते हैं। बेटी तोती, जाओ गाड़ी से सारा सामान निकाल के ले आओ, हम सभी तीन दिन तक टुनटुनी के घर में रुकेंगे। वे सभी लोग घोंसले के अंदर आ जाते हैं। टुनटुनी, जरा एसी तो चालू कर दो, बहुत गर्मी लगी है। ये गर्मी तो लगता है जान ही निकाल देगी मेरी तो, कितनी गर्मी हो रही है। ये लीजिए मेन साहब, इससे गर्मी दूर कीजिए,
को एक पंखा देती है। पिंकी उस पंखे को बड़ी ही गौर से देख रही थी और मन ही मन में सोच रही थी, ये गांव वाले पक्षी भी ना कितने भोले वाले होते हैं, इन्हें तो शहर के मॉडल जिंदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, बस अपनी जिंदगी ऐसे ही जीते रहते हैं। फिर शाम हो जाती है। टुनटुनी सभी के लिए खाना बनाती है और उन्हें देती है। ये लो मेन साहब। हमारे लिए खाना बनाया, हमारे साथ घूमने गई, हमें अच्छे से जंगल में घुमाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तभी पिंकी की दोस्त सुंदरी बोलती है, अरे टंटुनी तुम भी हमारे साथ शहर क्यों नहीं चल देती, तुम वहां अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताओगी, चल के तो देखो कितना अच्छा है शहर। फिर वे सभी जैसे तैसे टुनटुनी को शहर के लिए मना लेते हैं और वे चारों गाड़ी में बैठकर शहर के लिए निकल जाते हैं और शहर में आ जाते हैं। चलो अब मैं तुम्हें शहर घुमाऊंगी, तुमने भी तो अपने गांव में जंगल में मुझे हर जगह घुमाया। फिर टुनटुनी और पिंकी घूमने के लिए निकल जाती है। अगले दिन मेहन साहब मुझे गांव नहीं जाना, आप मुझे यही कुछ काम दिला दीजिए ताकि मैं अपना खर्चा चला सकूं, मुझे अब गांव नहीं जाना, मुझे शहर बहुत अच्छा लग रहा है, ये गांव से भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे काम भी अच्छा मिल जाएगा और पैसे भी, वहां तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, अब लगता है मेरी जिंदगी सवर जाएगी, मेन साहब मुझे कुछ काम दिला दो ना। फिर पिंकी उसे अपनी कंपनी में काम दिला देती है। अब टुनटुनी शहर में ही रहती है और अपना जीवन बहुत खुशी से बिता रही थी और वह टुनटुनी पिंकी की कंपनी में ही काम करती है और उसे गांव की याद भी नहीं आती, अब तो उसे शहर को जीवन बहुत अच्छा लग रहा था। दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्रिया कार्टून क्लासेस।